आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार, इतनी शांति से और इतना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। yes! चाहते हो ऐसी मजा जिंदगी भर मिलते रहे? yes! चाहते हैं ना? yes! तो चाहत तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन चाहत को पूरी करने के लिए ना जो चीज हमें करना है वो आज लगातार 2 से 3 दिन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टिप्स मिल रहा है ना? yes! तो जो जितने भी चाहत को पूरी करने के जो टिप्स मिल रहे ना, उसको फील्ड पे जाके क्या करना है? अप्लाई करना है। बस करते रहिए, हो जाएगा। कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। क्या है बिजनेस में पहला इस लोगों ने? टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। इसे बता, जो ज्वाइनिंग नहीं करता वो हमारे बाद में, जैसे पटेल सर ने 5 करोड़ का घर बना दिए, हमने करोड़ों का घर बना दिए, आज मर्सिडीज में चलते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो उन्हीं लोग देखते हैं, टेंशन में आते हैं, जिन लोग हमें एक्सेप्ट नहीं किए थे, घर से भगाए थे। टेंशन लेना नहीं, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देने का है ना। तो टेंशन में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? जब आपकी कार गुजरेगी, आपके फैमिली अच्छा है, आप अच्छे लाइफ जिएंगे, तो टेंशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो किन लोग टेंशन में आएंगे? जो भगाने वाले। लेकिन ना हमको भगाते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं। शुरू शुरू में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो टेंशन मत लेना, उसको टेंशन देके आना, जैसे बताया ना, मुस्कुरा के आना। धन्यवाद, थैंक यू। आपने मना किए क्योंकि सबके सब ज्वाइनिंग कर जाता तो समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि और काम है ना काम करने के लिए। है कि नहीं दुनिया में काम? देखो शानदार होटल वाला होटल मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि कर रहे हैं? ट्रेवल्स वाला आपको छोड़ेंगे, कपड़े वाला आपके लिए कपड़े बनाएंगे, खाना वाला बनाने वाला आपको खाना बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर इस सब का अमीर बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेंगे? उनको काम करने के लिए लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए आप अपना काम कीजिए, उनको उनका काम करने दीजिए, टेंशन लेना नहीं, ठीक है? yes. मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ, जिस स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा। दो दोस्त बहुत मेहनत कर रहे थे, अलग अलग गांव में रहते थे, एक ही कॉलेज में पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा मेहनत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल, मतलब उनको सफलताएं नहीं मिल रही थी। उन लोगों ने सोचे, बहुत सारा अफवाह चल रहा था या रियल बातें उछल रही थी आसपास के गांव में, शोर शराबा हो रहा था कि एक नदी के किनारे बहुत अच्छा एक कुटिया बना के एक ना बाबा जी आए हुए हैं और उन्होंने अमीर बनने के एक मंत्र दे रहे हैं। दोनों ने सोचे, पढ़े लिखे थे, यार चलो हम भी चले जाते हैं, वैसे भी हमारी जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं उनकी बातों को सुन के हम भी अमीर बन जाए, हो सकता है। ये दोनों ने आपस में डिस्कस किए, चले गए वहां पर, गए बाबा को प्रणाम वणाम किए, बाबा ने एक एक व्यक्ति को अंदर बुलाते गए। जब बाहर आए तो दोनों के हाथ पर है ना, दोनों के हाथ में ना कुछ पोटली दे दी। क्या दे दिए? पोटली दे दिए जो कपड़े से बंधा हुआ था, और उन दोनों को कहा कि 3 साल बाद इसी जगह पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है, इसी जगह पे हम मिलेंगे 3 साल बाद, जब पूरी कंप्लीट होगी वो समय अवधि पूरा होने के बाद 3 साल बाद जाते हैं, ठीक है। तो बाबा ने पूछा, अमीर बन, उन लोगों ने अमीर बनने का राज लेने गए थे, तो बाबा ने पूछा जो पहला व्यक्ति को कि भाई क्या क्या हुआ, ठीक है। तो उसने कहा, पहला व्यक्ति ने, मेरे साथ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो अमीर बना ही नहीं, तो क्या दिए थे आपको? तो क्या दिए थे पता है आप लोगों को? पोटली। वो पोटली में क्या दिए थे पता है? चना दिए थे। चना समझते? चना दिए थे। और मैंने कहा थे पोटली वापिस करना, मैंने कहा थे पोटली वापिस करना, वो पोटली को वापिस किया और सोचते रहा, हर दिन सोचते रहा, हर दिन सोचते रहा, 3 साल तक सोचते रहा, अमीर बनूंगा, अब बनूंगा, कल बनूंगा, परसों बनूंगा, ऐसे करते करते सोचते रहा, सोचते रहा, वो दिन आ गया और मैं, सर मैं बता रहा हूं मुनि महाराज, मैं अमीर बना ही नहीं, जैसा था उससे और ज्यादा मेरी जिंदगी ने बदतर हो गई, जैसा मेरी स्थिति थी ना, जैसा स्थिति थी ना उससे और मेरी जिंदगी और बदतर हो गई, खराब हो गई, मैं तो अमीर नहीं बना। दूसरा बंदा, दूसरा बंदा आया, पता है दूसरा जब बंदा आया ना, तो गाड़ी बैल जो पुराना होता है ना गाड़ी बैल, वैसे में आया
और ना वो एक छोटा सा पोटली लेके नहीं, पूरी बोरी भर के ना, बोरी भर के चना लेके आया। फर्स्ट बंदा क्या लेके आया, पोटली जैसे लिए तो वही ठीक है। तो फिर उसको पूछा कि कैसे कैसे है जिंदगी आपकी, कैसे चली 3 साल। उसने कहा मुझे तो बहुत कुछ मिला, मेरे घर बन गया, और आपने जो जो चना दिए थे ना उसके जगह में मैं पूरी बोरी भर के लेके आया, ठीक है, बोरी भर के लेके आया, और बहुत कुछ मैं अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा हूं, ये थोड़ा सा था, और कई बोरियां घर में पड़ी है, कई बोरियां घर में पड़ी है। देखिए दोनों को क्या दिए थे, बराबर सेम एक एक पोटली, और मैं आपको बता दूं दोनों को ही चना दिए थे, और दोनों को ये बोले थे कि वापिस आइए 3 साल में अमीर बन जाओगे, अमीर बनने का राज मिल जाएगा। तो पहला बंदे ने क्या लेके आया, पोटली लेके आया। क्या सोचा पता है, मैं आपको बता रहा हूं, पहला बंदा ने सोचा कि मुझे 3 साल बाद वापिस करना है, इसलिए इसको खराब ना हो जाए घर में अच्छे जगह में गाड़ बांध के रख दिया, ठीक है, गाड़ बांध के रख दिया। दूसरे बंदा ने सोचा सेम, मुझे 3 साल बाद वापिस करना है, लेकिन 3 साल तक कहां रखूं, कैसे रखूं, क्या करूं, और उसने क्या किया, खेतों में बो दिया। 6-6 महीने में फसल आते गई, फिर 6 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 6 महीने में, ऐसे करते करते कई बोरियां हो गई, मल्टीप्लाई हुआ, होता कि नहीं होता है? होता ना, एक बीज से 100 गुना बीज बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है जी, एक बीज से 100 गुना बीज बनता है ना। लेकिन बताओ जो बंदा को ना पोटली दे रहे थे ना, फर्स्ट बंदा जो गया था उसने कुछ नहीं पूछा कि पोटली को करूंगा क्या, लेकिन जो सेकंड बंदे को दे रहे थे ना, सेकंड बंदे ने पूछा, जो चना दे रहे ना पोटली में, इसका राज बताइए मैं अमीर कैसे बनूंगा इससे। और वो राज लेके गया और खेतों में बो दिया और अमीर बन गया। समझ में आया, हमारे बिजनेस में चेन चीजें सीखने को होता है, हमारे बिजनेस में आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं सेफ शॉप में ज्वाइनिंग कर लेंगे अमीर बन जाएंगे, WSS ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे अमीर बन जाएंगे। लेकिन अमीर कैसे बनते हैं, लोगों को कैसे समझाते हैं, ये हम अपने सीनियर से पूछते ही नहीं। कैसे हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, कैसे हमें काम को करना है, पूछते ही नहीं। और एक चीज जरूर बताते रहते हैं कि ये बेवकूफ बनाने वाला काम में फंसा दिए, कहते ही नहीं कहते, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, जुड़ने जुड़ाने का काम है, ऐसे बहुत सारे देखे हमने, बोलते ही नहीं बोलते हैं। और जब दुनिया जैसी बोलते रहती उस तरीके से हम भी बोलने लगते हैं। कभी पूछे हम, अगर आपको डायमंड बनना है तो आपके करेंट लीडर जो आपसे बड़े लेवल पे होंगे, जो सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, पर्ल होंगे, टोपाज होंगे, उनके साथ बैठ के उनको पूछिए आप सिल्वर कैसे बने, आप गोल्ड कैसे बने, आप पर्ल कैसे बने, आप टोपाज कैसे बने, आप एमराल्ड कैसे बने, आप डायमंड कैसे बने। ये आप अपने सीनियर के साथ में होम घर में बैठ के होम मीटिंग करके अपना गोल सेट करना। क्या करना, अगर किसी ना अगर इमारत पे चढ़ना है ना, तो सीढ़ी लगा दी आपने और आपको चढ़ना है ऊपर, लास्ट एकदम ऊपर वाले सीढ़ी में चढ़ जाओगे क्या, कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना। तो आपके पास गोल होना चाहिए, 1 महीने में आपको क्या बनना है, दूसरा महीना क्या बनना है, तीसरा महीना क्या बनना है। हम यहां पर आ जाते हैं, कोई गोल नहीं होता हमारा, और हम ना काम कर ही रहे सर, काम कर ही रहे सर, क्योंकि हमारी मेंटलिटी तभी काम करने वाला है जब हमारे पास ना शेड्यूल होगा, हर दिन के शेड्यूल होगा कि मुझे एक दिन में ना कितने लोगों को प्लान दिखाना है, एक दिनों में कितने लोगों का नो सुनना है, एक दिनों में मुझे कितने लोगों को ना बिजनेस दिखा के ज्वाइन कराना है। समझ रहे, आपके पास मेरे बता रहा हूं, जाने के बाद डेली का शेड्यूल बनाइएगा। अगर पार्ट टाइम में करते हैं आप पार्ट टाइम, तो आप सोचिए सवेरे 2-4 लोगों को दिखाना है, शाम को 2-4 लोगों को दिखाना है। अगर फुल टाइम में करते हैं तो मिनिमम कम से कम 10 लोगों को दिखाना है, 10 से 12 लोगों को ऐसे दिखाना मिनिमम, आपको जितने लोग मिल सकते उतने लोगों को दिखाते रहना है। काम है ये, दुनिया अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 10 से 12 घंटा काम कर रहे हैं ना। यदि हम ये अगर फुल टाइम आते हैं तो हमारा काम क्या होना चाहिए, फुल टाइम की तरह मतलब 10 से 12 लोगों को सेम, हम जितने भी यहां पर आपने डायमंड आया, जितने भी फ्रंट में बैठे हैं, ये सारे लोगों ने सेम काम किए, तो कोई अलग काम आपके साथ या अलग आपको काम करना नहीं पड़ेगा, अलग मेथड, अलग विधि, अलग तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। और ये जितने भी तरीके हैं ना,
ये आप सबके लीडर को भली भांति पता है। सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, आंख बंद करके जैसा बोल रहे हैं वैसा करने की जरूरत है। कर पाएंगे? yes. फॉलो कर पाएंगे? yes. यदि आप फॉलो करते हैं तो जिस तरीके से ना बिना कुछ पोटली में ना चना दिए थे और कई कई हजारों में बदल गया, उसी तरीके से आपके पास एक की टीम, दो की टीम, दस की टीम, पांच की टीम, दो भी टीम होंगी, इतना अच्छा उनके साथ एजुकेशन, उनको इतना अच्छा एजुकेशन दीजिए वो लगे कि एक व्यक्ति दस आदमी को लाने का क्या रखे, हिम्मत रखे, जज्बा रखे, और दस आदमी सौ में, सौ आदमी हजारों में, हजारों आदमी लाखों में बदलने का जज्बा रख सकते। बस फैलाना है पूरे भारत में। कर पाएंगे? सेम चीजें हमने किए, सिस्टम और सीनियर को फॉलो किए। मैं तहे दिल से पवनकर सर, मुकेश सर, पटेल सर, जूट सर और डॉक्टर साहब, ये सारे सीनियर, सत्यजीत, जितने भी यहाँ पर हमारे लीडर्स हैं, और आप सब लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेम चीजें मुझे भी आज से 13-13.5 साल पहले मुझे भी मिला था। मैंने सिर्फ ना अपने सीनियरों से पूछा ये लेवल के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, और मैंने कुछ नहीं बोला, एक ही चीज पूछते रहा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। इसलिए एक साल के अंदर हमने सिस्टम चालू होने के बाद कार में चलना चालू कर दिया था, कार में चलना चालू कर दिया था। आज तो 56 लाख की कार में चलते हो, जानते हो, चलते हो ना, आज करोड़ों के प्रॉपर्टी जानते हैं। yes. कैसे मिला? दिमाग नहीं लगाया, मैं सीनियर का सिस्टम का दिमाग लगाया। दिमाग लगा के अमीर बनना होता तो भाई उस जगह पे बन चुके होते, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को, सीखे हैं। yes. जाके आपको अपने कामों में परिवर्तित कर देना है, टीम के साथ काम करना है। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुने, ईश्वर भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे सपने जो देखे हैं वो हकीकत में बदले। ये शुभकामना देते हुए मैं अपना वाणी विराम देता हूं, करता हूं, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आगे की, थैंक यू, आगे के लिए दोस्तों।